निकाय चुनाव से पहले देहरादून में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर बीजेपी सरकार जो अध्यादेश लाई थी उसमें समय सीमा पूरी हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार मामले में ठोस कदम उठाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं पूर्व में मेयर रहे मौजूदा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार मलिन बस्तियों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। राज्य सरकार 2018 में मलिन बस्तियों को लेकर अध्यादेश लेकर आई थी, इसके बाद बस्तियों पर कार्रवाई का खतरा टल गया था। इसके बाद 2021 में फिर से अध्यादेश लाया गया। साथ ही बीजेपी शासन काल में मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने बस्तियों पर टैक्स लगाने का काम किया, जिससे कि उन लोगों को मालिकाना हक मिल सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी से बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने के लेकर वार्ता हुई है। सरकार बस्तियों के नियमितीकरण के लिए जल्द ठोस कदम उठाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस थी तो हमने अवसर तलाशे, आज हमें तो वो अवसर तलाशे, ये चलेगा। लेकिन जो करना आवश्यक है वो ये है कि मलिन बस्तियों का जो सब्जेक्ट है इसका एक बार में समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार इसको लेकर लोग तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, तरह तरह की राजनीति करते हैं। और ये विषय मैंने झेला है, जब मैं नगर पालिका के अंदर था, अभी तो नगर निगम है, तो उस समय मलिन बस्तियों को लेकर बहुत बड़ी राजनीति होती थी। तो उस समय हमने मलिन बस्तियों पर टैक्स लगाने का काम शुरू किया। उसके बाद मलिन बस्तियों का शोषण कम हुआ, क्योंकि पहले मलिन बस्तियों को उजाड़ने के नाम पर बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा होता था, धरने प्रदर्शन होते थे। लेकिन जब से वहां पर टैक्स लगना सुनिश्चित हुआ, जब वहां पर हम लोगों ने विकास कार्य सुनिश्चित किए, हमने मलिन बस्तियों को नियमित करने का कार्य किया, नियमितीकरण का कार्य किया, हमने अधिकृत मलिन बस्तियां घोषित की। उसके बाद तो जब ये प्रक्रिया चली तो उसके बाद शोषण बंद हुआ। तो सियासत भी होती है, लेकिन सियासत के साथ साथ समाधान भी आना चाहिए। हम उस ओर आगे